दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना, तो चैनल ही खरीद लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि दौर होता है हर चीज का, क्योंकि दो तरह के लोग इस देश में हमेशा रहे हैं। एक वो जो सत्ता के सामने सच के लिए आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं और घुटना टिका करके अड़ करके खड़ा हो जाते हैं, चाहे उनके ऊपर टैंक चला दिया जाए, घोड़े दौड़ा दिए जाएं, हाथियों से उनका सर कुचल दिया जाए। और आजकल तो हम लोग साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में जीते हैं ना, तो आजकल नकली वीडियो बना करके लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता है। ये होता आया है। लेकिन दूसरे वो लोग भी होते हैं जो सत्ता के साथ चाय पे चर्चा करने लगते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान भी दो तरह के लोग थे, एक वो जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते, एक वो जो अंग्रेजों से पैसे लेकर के अंग्रेजों के लिए चापलूसी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे। आज 21वीं सदी में 2022 में भी दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो लोभ और डर के चलते सत्ता के साथ हाथ मिला लेते हैं, दूसरे वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ नहीं है, इसीलिए वो सत्ता के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते हैं कि रे भाई, परिवारवाद पे भाषण देते हो तो ये बताओ कि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाए हो, ये बताओ कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेकारी क्यों है, ये बताओ कि 22 बार गुजरात के अंदर प्रश्न पत्र लीक क्यों हुआ है, ये बताओ कि जब देश में महामारी फैली हुई थी तो अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा था, ये बताओ कि किसानों को क्यों आत्महत्या करनी पड़ती है, क्यों उनके फसल का दाम नहीं मिलता है, ये बताओ कि नोटबंदी करने के बाद आपने वादा किया था कि भ्रष्टाचार रुक जाएगा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, सरकार जब आएगी तो काला धन आएगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाया जाएगा। कितने लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचाया?